हेलो एंड वॉर्म वेलकम टू टूस वाला जेई। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेई मेन 2024 का एग्जाम किस किस ईयर वाले स्टूडेंट दे सकते हैं। तो देखो, काफ़ी बच्चों के माइंड में एक ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि मेरा ट्वेल्थ इस ईयर में पास है तो क्या मैं दे पाऊँगा कि नहीं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, तुमको मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा, अगर तुमने जेई मेन का पेपर 2024 में देने वाले हो, अगर तुम जेई मेन 2024 का पेपर देने वाले हो, तो तुमको ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा ट्वेल्थ है वो या तो 2022 में पास आउट हो गया हो, या फिर 2023 में पास आउट हो गया हो, या फिर 2024 में पास आउट हो। तो अगर तुम्हारा ट्वेल्थ 2022 में या 2023 में या 2024 में पास आउट होगा, तो फिर तुम्हारा डेफिनेटली तुम जेई मेन 2024 एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और इससे पहले के जो बच्चे हैं, मतलब 2022 के पहले के जो बच्चे हैं, जो 2021 में पास आउट कर रहे हैं, 2020 में पास आउट कर रहे हैं, वो एग्जाम को बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। और अगर इसके रिगार्डिंग तुम्हारा और भी कोई कन्फ्यूजन है जो तुम पूछना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।